नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एस एम दास रोड अपोजिट रिंग मॉल दार्जिलिंग। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसान को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। अद्वैता स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। शहीद CRPF जवान जगन्नाथ रॉय का शव पहुंचा बागडोगरा एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर में। आतंकी हमले में हुए थे शहीद। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक के पश्चिम शालबारी इलाके के CRPF जवान जगन्नाथ रॉय जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। 25 मार्च गुरुवार को जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि अन्य 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। शहीदों में जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी के जगन्नाथ रॉय भी शामिल है। जैसे ही जगन्नाथ रॉय की शहादत की खबर धूपगुड़ी पहुंची, पूरा इलाका शोक में डूब गया। बुधवार को शहीद जगन्नाथ रॉय का शव बागडोगरा एयरपोर्ट के कावाखाली CRPF कैंप ले जाया गया। यहां से उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जाएगा। मेरा अभी भाई मर गया है, माता की सेवा करते करते बस इतना ही मेरा से बड़ी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार चिंतित। सभी राज्यों को दी गई चेतावनी, आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है, उठाए ठोस कदम। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार को सरकार ने कहा कि देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य ढांचा भी चरमरा सकता है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया कि अगर तत्काल उपाय नहीं किए गए तो कोरोना संक्रमण के मामलों में मौजूदा उछाल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब 8,032 सक्रिय मामलों के साथ देश के टॉप 10 कोरोना संक्रमित राज्यों में शामिल हो गई है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र टॉप पर है। यहाँ के 8 जिले कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित है। वहीं कर्नाटका के एक जिले बेंगलुरु शहर में कोरोना का कहर बरप रहा है। इस बीच राज्यों को सर्वेलेंस एक्टिविटीज के आधार पर मामलों की मैपिंग करने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। जरूरत पड़ने पर पुलिस अधिनियम का उपयोग भी किया जा सकता है। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष कर रहे धुआंधार प्रचार, दिग्गज राजनेताओं से है टक्कर। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष अपने विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुधवार सुबह वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। इस दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और चुनाव के बाद इसके द्रुत समाधान का भरोसा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान वे लोगों के साथ चाय भी पीते नजर आए। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला संयुक्त मोर्चा के CPM उम्मीदवार अशोक नारायण भट्टाचार्य से है व तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा से है। अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी के विधायक व पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर का पद भी संभाला है। तृणमूल प्रत्याशी ओम प्रकाश मिश्रा ने मॉर्निंग वॉक के दौरान किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रातः भ्रमण के दौरान सिलीगुड़ी कॉलेज पाड़ा में लोगों से मिले और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनी और चुनाव के बाद उनके समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद वे चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला भाजपा के शंकर घोष व संयुक्त मोर्चा के CPM उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य से है। अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी के विधायक व पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर का पद भी संभाला है। भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी पहुंची इस्कन मंदिर, पूजा अर्चना के बाद शुरू किया चुनाव प्रचार। डाबूग्राम फुलबड़ी विधानसभा सीट की भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। बुधवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भव्य इस्कन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी।
आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंची। गौरतलब है कि डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला राज्य के पर्यटन मंत्री रहे गौतम देव से है। दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा के सीपीएम उम्मीदवार दिग्गज नेता दिलीप सिंह भी चुनाव मैदान में है। हालांकि सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा महिला मोर्चा ने मानव बंधन बनाकर जताया विरोध। नीमता कांड के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा ने सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सिलीगुड़ी नगर निगम के 8 नंबर वार्ड की वार्ड कोऑर्डिनेटर खुशबू मित्तल समेत अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया था। भाजपा महिला मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि 27 फरवरी को उत्तर दमदम नीमता में गोपाल मजुमदार व उसकी माँ शोभा रानी मजुमदार पर टीएमसी समर्थित गुंडों ने हमला किया। एक महीने तक इलाज चलने के बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस घटना के खिलाफ आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मानव बंधन बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के नेताओं ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री राज्य में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह नाकाम रही। महिला मारा गेलें 82 বছরের বৃদ্ধা মহিলা মারা গেলেন তারই প্রতিবাদে আমাদের আজকে এই ধিক্কার মিছিল। গত 1 মাস যাবৎ তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী তার ছেলে বিজেপি করার অপরাধে রাত্রে ঘরে ঢুকে গোপাল মজুমদারকে ফেলে মেরে তাকে সেন্সলেস করে ফেলে দিয়েছিল। তারপরেও ছেলেকে মেরেও তার কিন্তু শান্তি হয়নি। তখন সে তার পাশের ঘরে তার মা ছিলেন, সেই বৃদ্ধা মাকে মেরে তার মাথায় জোর আঘাত করে আঘাত করা হয়েছিল। তারপরে সেই মা 1 মাস যাবৎ হাসপাতালে ভর্তি ছিল এবং ইন্টারনাল হ্যামারেজ হওয়ার জন্য গতকাল মারা গেছে। देखिए 27 फरवरी को एक भाजपा के कर्मी को बुरी तरह से मारा गया, लेकिन जब उनकी माताजी उनको बचाने के लिए बीच में आई तो 85 साल की उनकी माताजी के ऊपर भी आक्रमण किया गया, जिससे उनको बहुत चोट आई। चोट आने के बाद वो पूरे एक महीने उन्होंने ज़िंदगी और मौत के बीच उन्होंने लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते जब वो थक गई तो कल शाम को उन्होंने अपने ज़िंदगी से उन्होंने हाथ धो बैठा और अपने सांस उनकी बंद हो गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे महिला मोर्चा के तरफ हम सभी जानना चाहते हैं, हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जब खुद एक महिला है, महिला को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही, तो इस तरह की महिला मुख्यमंत्री होने का कोई लाभ नहीं है। उनको अपना पदत्याग करना चाहिए, उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनको ये मान लेना चाहिए कि वो महिलाओं को कहीं पर भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जबकि वो खुद एक महिला होकर महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो ऐसी मुख्यमंत्री का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले दिन में चुनाव के माध्यम से जनता इसका जवाब देगी। जैसा हम सब जानते हैं, सब कह रहे हैं 2 मई ममता दीदी गई, तो हम ये बताना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए कि 2 मई को आपका जाना निश्चित है। आपकी गद्दी सिर्फ 1 तारीख तक की है। 2 मई को आप पश्चिम बंगाल से जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। आमराज की एखने प्रत्येके विक्षोभ प्रदर्शन एक कारण ही करछि, नारी निर्यातन जन्य। आपनारा शुनेछेन 27 তারিখে एक वृद्ध माँ তাকে মেরেছিল ছেলে বিজেপি করার অপরাধে। মাকে মেরেছিল, এখানে ঘুষি মেরেছিল, এখানে ঘুষি মেরেছিল, সব ব্লাডগুলো ক্লটেড হয়েছিল। সেখান থেকে ওনার কোনো রকম ব্লাড পাস হচ্ছিল না। উনি হাসপাতালে নিজের জীবনের সাথে অনেক সংঘর্ষ করেছেন, কালকে উনি মারা গেছেন। তার জন্য আমাদের প্রত্যেকের এই বিক্ষোভ যে দেশে প্রত্যেক দিন যবে থেকে উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে তবে থেকে কালকে অবধি উনি যেখানে ডেরা বেঁধে আছেন নন্দীগ্রামে, ওখানে 5 কিলোমিটারের মধ্যে একটি নারী ধর্ষণ হয়েছে, একটি মহিলা, তার কোনো খবর নেই ওনার কাছে। উনি কেন এরকম করছেন প্রতিটি নারীকে? উনি বলছেন খেলা হবে খেলা হবে। আমরা তো মনে করছি এটা খেলার একটা অঙ্গ। 2 তারিখে প্রত্যেকটি রাজ্যের লোক এটা জবাব দেবে, পশ্চিমবঙ্গবাসী এর জবাব দেবে। উনি মুখ্যমন্ত্রী আর থাকবে না। উনি কালকেও আপনারা দেখেছেন ফুটবল ছুড়ে মেরেছেন, বলেছেন বোল্ড হবে বোল্ড হবে, ফুটবলে বোল্ড হয় বোল্ডা ওঠায়, ওনার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই 2 তারিখ উনি জবাব পাবেন। আমরা এখানে এর জন্য দাঁড়িয়েছি বিক্ষোভ জানাতে, ওনাকে ধিক্কার জানাতে, अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन, अब फैंस? फैंस स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक, चली हवा सूर्या की। माउंट कनिफर स्वीट्स एंड स्पा ले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन पड़े दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रूम को व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीड़भाड़को सामना गर्नु पर्दैन। 3,000 र 1,000 स्क्वायर फिट को यस हल को उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउंट कनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डाक्टर एस एम दास रोड अपोजिट रिंक मॉल दार्जिलिंग। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कार्मिंग टर्किश स्काइज? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा उम्मीदवार सुमन कांजीलाल ने किया प्रचार, कहा मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। अलीपुरद्वार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सुमन कांजीलाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अलीपुरद्वार की विवेकानंद 1 व 2 नंबर ग्राम पंचायत के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनी और चुनाव बाद उसका समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। भाजपा उम्मीदवार सुमन कांजीलाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से उन्हें जबरदस्त रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस सीट से
अपनी जीत। जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने किया चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नगरपालिका के एक नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने पूरे वार्ड में घूम घूम कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि यह इलाका आर्थिक व सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वे इलाके की लोगों की समस्याएं सुलझाने का प्रयास करेंगे। आज के हमारा जलपाईगुड़ी पौरसभा एक नम्बर वार्डे जगह एकटूखानी आर्थ सामाजिक दिक्कत एकटूखानी पिछिए पड़ा एलिका किंतु हमारा सरजमिने देखल घूरते घूरते आशा करी जदि हमारा जयी हई जो जयी हई सर्वत भावे एखानकार जगार पार्टिकुलारलि वार्ड नम्बर वन উন্নতি কতটা করা যায় সে ব্যাপারে আমি সচেষ্ট। দেশ মে আয়ে 24 ঘন্টে মে 53,000 নয়ে করোনা কেসেস। 16 দিসম্বর কে বাদ এক দিন মে রেকর্ড 350 সে জ্যাদা মরিজো কি হুই মৌতে। দেশ মে করোনা সংক্রমণ খতরনাক তরিকে সে বড়তা যা রহা হে। লাগাতার 7ওয়ে দিন 50,000 সে জ্যাদা করোনা কেসেস সামনে আয়ে। यही नहीं 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 से ज्यादा संक्रमितों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 53,480 नए कोरोना केसेस सामने आए, 354 लोगों की मौतें भी हुई। हालांकि 24 घंटे में 41,280 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल सबसे कम थी। अब जानते हैं आज देश की स्थिति आखिर कैसी है। कुल मामले 1,21,49,335, कुल डिस्चार्ज 1,14,34,301, कुल एक्टिव केस 5,52,566, कुल मौत 1,62,468, कुल टीकाकरण 6,30,54,353 डोज दी गई। 1 अप्रैल से हवाई सफर होगा महंगा। हवाई सुरक्षा फीस में बढ़ोतरी से महंगा हुआ आसमानी सफर। महंगाई का झटका अब विमान यात्रियों को भी लगने वाला है। 1 अप्रैल से हवाई जहाज में सफर करने पर ज्यादा रुपए ढीले करने होंगे। नागर विमान महानिदेशालय ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस बढ़ा दिया है, जिसके चलते हवाई यात्रा महंगी हो गई है। घरेलू यात्रियों के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में 40 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस 114.38 रुपये होगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस हवाई टिकट का एक घटक है, जिसका इस्तेमाल देश भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को फंड करने के लिए किया जाता है। उड्डयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश भर में ज्यादातर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विदेश विमान सुरक्षा शुल्क 12 अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपयों के बराबर देने होंगे। बढ़ी हुई नई दर 1 अप्रैल 2021 या 1 अप्रैल के बाद जारी किए गए टिकटों पर लागू होंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस करीब सभी यात्रियों से वसूली जाती है, लेकिन कुछ मामले अपवाद है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर, ऑन ड्यूटी एयरलाइंस क्रू मेंबर और भारतीय वायुसेना की तरफ से संचालित विमान पर यात्रा करने वाले ऑन ड्यूटी शख्स को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में छूट मिलती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस की दर को करीब 6 महीने बाद संशोधित किया जाता है। पिछले साल सितंबर में घरेलू यात्रियों के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस की दर में 10 रुपयों की बढ़ोतरी कर 150 रुपये से 160 रुपये किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए SK Live। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।